माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि मलावी गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्षा महामहिम सुश्री कैथरीन गोटानिहारा और वहां के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन रविवार 30 जुलाई 2023 को हुआ था। शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त आगरा की यात्रा भी करेंगे। उनका शुक्रवार दिनांक 4 अगस्त 2023 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मलावी गणराज्य की संसद, वहां की सरकार और वहां की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। सुनील कुमार मंडल, ऑनरेबल मेंबर नहीं बोलेगा ना। क्वेश्चन माननीय मंत्री जी, एक विवरण दिया गया है माननीय निशिकांत दुबे, क्वेश्चन नंबर 142। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्षों बाद जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो समस्या है, जो 374 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया है, उसके पीछे जो दो रीजन है सर, वो दो रीजन ये है कि राज्य का जो बोर्ड है वो अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लोग होते हैं और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में पॉपअप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है लेकिन शिक्षक नहीं है और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है, शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पीएम फ्री स्कूल कि 6,207 स्कूल को पहला किस्त भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए।
मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। अध्यक्ष जी, दूसरा जो शिक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेज, ये सब बनते हैं, लेकिन हमने देखा हमेशा ये जो लिस्ट हमको मिली है सर, इसमें 12 ऐसे जिले हैं झारखंड के जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड है, और वो सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है जो भारत सरकार का मापदंड 112 है, और वो सारे के सारे जिले 6 संथाल परगना के हैं, एक जो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री है अन्नपूर्णा जी उनका क्षेत्र है जो हमसे सटा हुआ है, और गिरिडीह है। तो 12 जिले में से झारखंड के 8 जिले ऐसे हैं जो कि संथाल परगना और उसके इर्द गिर्द है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रभावी होने के कारण वो रांची जैसे जगह में बन जाता है या राज्य की राजधानियों में बन जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह भी है और यह प्रश्न भी है कि क्या आप इस लिस्ट को देखते हुए संथाल परगना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक इकाई या जो रांची विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका एक कैंपस खोलेंगे जिससे कि हम अपने तरफ से जो है शिक्षा को बढ़ावा दे पाए। अध्यक्ष महोदय, अभी फिर मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये यूनिवर्सिटी या सेंट्रल स्कूल करने की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यों की एक प्रमुख जिम्मेवारी है, लेकिन मैं आदरणीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा, अभी जो नया पीएम उषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षण अभियान उषा की जो नया संस्करण 23-24 से 25-26 तक चलेगा, इसमें प्रदेशों की आकांक्षी जिले को, एस्पिरेशनल जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। एंड रडप्पा ऑनरेबल मेंबर, What are the steps that the government has undertaken to ensure the equitable institutions of education like Ekalavya schools across all the districts of Andhra Pradesh, especially in Chittoor district, sir? Ekalavya schools in Chittoor district, sir? Thank you. Adhyaksh Mohode, Ekalavya school ki daito Bharat Sarkar ki जनजाति कल्याण विभाग की दायित्व में है। मैं चित्तूर वाला जानकारी मैं मेरे सहयोगी मंत्री जी को चर्चा करके उनको अवगत करा देंगे। श्री राकेश सिंह जी, क्वेश्चन नंबर 143। अन्य मंत्री महोदय, अन्य अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके संकल्प और जिनकी दूरदृष्टि से भारत आज इंग्लैंड जैसे विकसित देश को भी पीछे करके विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया और आने वाले कुछ समय में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम अग्रसर हैं। मेरे दोनों प्रश्न में एक साथ ही पूछ लेता हूं। प्रश्न ये है महोदय कि अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन को लेकर समय समय पर रेटिंग एजेंसियां अपने आंकड़े जारी करती हैं, ये उपयुक्त हैं या अनुपयुक्त हैं ये अलग बात है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर हो, बेहतर दिखे, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? और दूसरा प्रश्न है कि यदि हम ये मानते हैं कि हमारा प्रदर्शन बेहतर है तो ऐसा मानने के पीछे हमारे क्या मापदंड या क्या आधार है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में गंभीरता से काम करना शुरू किया है। अगर आप देखें तो मेक इन इंडिया टू मेक इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो 29 श्रम कानून थे उनको सरलीकरण करके 4 लेबर कोड बनाया गया। इस देश में तो ऐसे ऐसे कानून थे जो कहीं ना कहीं हजारों वर्ष पुराने थे, और चर्चिल का सिगार के असिस्टेंट जैसे भी कानून थे। ऐसे हजारों कानून को हमने समाप्त किया ताकि सरलीकरण हो सके। वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से जीएसटी लागू किया सफलतापूर्वक,
और इनकम टैक्स में जो समस्याएं थी फेसलेस की सफलतापूर्वक लाया गया, वहीं पर PLI स्कीम लाई गई, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लाया गया, PM गति शक्ति का शुभारंभ किया गया। इस संरचना सुधारों के अतिरिक्त भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अभूतपूर्व जोर दिया है। इसी कारण हमारी सकल पूंजी निर्माण में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसका गुणात्मक अर्थव्यवस्था की मजबूती के रूप में दिख रहा है। और इन्हीं सभी कारणों से मैं कह सकता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। जहां तक दूसरा सवाल है कि किस आधार पर हम कह रहे हैं कि 2022 में, इसके पहले जब कोविड की महामारी पूरे दुनिया पर छाई थी उसमें भारत भी अछूता नहीं था, लेकिन उस समय भी अगर देखें तो 2022 में वास्तविक GDP जो 7% की दर से बढ़ी, जो वर्ष के दौरान दुनिया के सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट काफी अच्छी है। विकास की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में ब्याज दरें भी बेहतर हैं। जहां तक डॉलर के मुकाबले विनिमय दर की बात कहें, चाहे वो जापानी येन हो चाहे कोरियन येन हो, इन एशियाई मुद्राओं की तुलना में भारत के रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। और इसी तरह अगर भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देखें तो 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन भी अमेरिका, जापान, चीन और ताइवान जैसे देशों की तुलना में ज्यादा बेहतर रहा है और निवेशकों की हाई रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं। भारत में इन्फ्लेशन की दरों में गिरावट के कारण भारतीय एसेट्स प्रतिभूतियों के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी संकेतक, जो हमारे सभी संकेतक हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा ही नहीं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। दोनों हो गए, एक प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।